1,00,000 रुपए, आई रिपीट 1,00,000 रुपए। सुबह 7 बजे तक पब्लिक गार्डन के ब्रिज के पास आकर वहां पोस्ट बॉक्स में डाल देना। यहां वहां देखे बिना चुपचाप वहां से चली जाना। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मैं हटेला मस्तान बोल रहा हूँ। तुम मुझे ही ढूंढ रही हो ना? तुम्हारे 1,00,000 रुपए जो हैं, वो मुझे मिल चुके हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए तैयार रहना। ओके बाय। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। डार्लिंग मैं दीवाना मस्ताना बोल रहा हूँ। मैं तेरे घर पर आया था। अरे घबराना मत तुम बाथरूम में नहा रही थी। तेरे बर्थडे केक की डिलीवरी मैंने की है। हाँ, इस केक के नीचे ना एक गिफ्ट भी रखा है, सॉलिड है। और 1,00,000 का इंतजाम कर लेना, जल्दी कॉल करूंगा। बाय। चलता हूँ दीदी, बहुत काम है। अच्छा सभी खाना खाकर जाइएगा, मैं चलता हूँ। हाँ टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके डैडी, बाय बाय। बाय डैडी। ओके बेटा, बाद में कॉल करूंगा। ओके बाय डैडी। बाय। ये सब क्या है प्रेमा? भाभी, I'm sorry भाभी। Don't worry, मैं किसी से नहीं कहूंगी। आ, बैठ जा। आखिर बात क्या है? कौन है ये? उसका नाम राजू है। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। एग्जाम्स खत्म हो गए थे। राजू के एनसीसी कैंप में जाने का वक्त भी करीब आ गया था। एक दिन उसने मुझे फोन किया और रेनबो पार्क में मिलने के लिए बुलाया। हाय। हाय, बैठो ना। कल मैं जा रहा हूँ। कितने बजे? सुबह 5:30 बजे। कौन सी ट्रेन? कौन सी ट्रेन, किस बोगी में जा रहे हो? प्लीज ऐसे सवाल मत करो। मैंने अपने जर्नी डिटेल्स बताने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। कैंप कितने दिनों का है? 60 डेज। ओह, मतलब 2 महीने। बिल्कुल, कितना सही हिसाब लगाया। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे तो बहुत ही दुख हो रहा है। दुख तो होगा ही, फैमिली से इतने दिनों के लिए दूर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। फिलहाल मैं फैमिली से दूर ही रह रहा हूँ, लेकिन बात कुछ और है। ये जगह कितनी सुंदर है ना? तुमसे ज्यादा नहीं।
ये फूल, ये हवा, ये रंग, सब कुछ कितना सुंदर है। मुझे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं भाता। और थोड़ी देर में चांद निकल आएगा। चांद की रोशनी में जगह और भी खूबसूरत लगेगी। चांद वहाँ ऊपर नहीं, मेरे पास बैठा है। मुझे चांदनी रात बहुत पसंद है और तारों को टिमटिमाता देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। इस फोटो से क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है सर। मतलब ये फोटो उसके बाप को दिखाऊंगा ऐसा बोलकर मैं लाखों रुपए ले चुका हूँ सर। ब्लैकमेल के लिए नहीं, किडनैप करने के लिए कहा था। किडनैप करने के लिए ही तो इसको ब्लैकमेल करना पड़ रहा है। वो सब छोड़, मेरी जल्दबाजी की वजह कुछ और है। इसे गौर से देख। चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल। ये SP विजय प्रताप सिंह है ना? यस, इस जेल का जेलर। और ये मलिक है, बॉम बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये तो ISI टेररिस्ट है ना? Exactly. परसों यहाँ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें इसी का हाथ था। इस पर कितना इनाम रखा है पता है? पूरे 100 करोड़। अगर उसे जेल से निकालकर ISI के हवाले कर देंगे तो हमारी किस्मत ही पलट जाएगी।